तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंटेंट्स जो होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में वो क्या क्या होता है, ठीक है ना, वो हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे करके ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होता है या फिर जो भी इसका कंटेंट्स होता है वो बाहर की तरफ निकलता है और क्या करता है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को डाइजेस्ट करता है या फिर हम लोग बोलेंगे पॉली स्पर्मी से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये वाला वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या कंटेंट्स होता है, ठीक है ना। कंटेंट्स में क्या क्या था हम लोग बोलेंगे, तीन कंटेंट्स था, एक क्या था और भी कंटेंट्स हो सकता है, ठीक है ना, आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट जो कंटेंट था वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीज था। सेकेंड कंटेंट क्या था, म्यूकोपोलीसेक्राइड्स या ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन था, गैग जिसको बोलते हैं, जीएजी गैग। और भी कंटेंट्स था, पेरोक्सीडेज था, अर्चिन, ड्यूबल ऑक्सीडेज वन था, UDX1 बोलते हैं, ट्रांसग्लूटामिनेज, और भी कुछ कुछ होता है, हेलाइन या हायालिन, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ और भी कंटेंट्स होता है, ठीक है ना। देखो कैसे करके इसको समझते हैं, ये कैसे करके क्या करता है, पॉली स्पर्मी से प्रिवेंट करता। तो लास्ट वाला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो एग होता है, एग का सबसे बाहर का लेयर को हम लोगों ने क्या बोला था, जेली लेयर बोला था। उसके बाद फिर क्या था, वाइटिलिन इन्वेलप था। उसके बाद फिर क्या था, एग मेम्ब्रेन था। फिर क्या था, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म था। फिर क्या था, न्यूक्लियस था, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ बन रहा था, हम लोग बोलेंगे पेरीफेरी की तरफ, मतलब किस तरफ, एग मेम्ब्रेन की तरफ। कंटेनिंग क्या चीज़, ये सब क्या, ये सब क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। ये सब ग्रेन्यूल्स मतलब यही सब है, क्या चीज़, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, सेरीन प्रोटीएज, म्यूको पॉलीसेक्राइड्स, ये सब पेरोक्सीडेज, ये सब ठीक है। ये सब ग्रेन्यूल्स इस कॉर्टिकल वेसाइकल के अंदर क्या चीज़ है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या था, ये जो एग मेम्ब्रेन है ना, और ये क्या चीज़ है, वाइटिलिन इन्वेलप है। इसके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट था जो हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, वो क्या चीज़, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, फाइब्रस एरिया, ठीक है। तो और फाइब्रस एरिया यहीं पर क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होता है, रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो वाइटिलिन इन्वेलप है ना, यहाँ पर क्या लगा हुआ था, हम लोग बोलेंगे स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स लगा हुआ था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट ऑन वाइटिलिन इन्वेलप, जिसके साथ क्या लगा हुआ है, जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, बहुत सारे स्पर्म्स जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन हो गया तभी तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बना ना। तो अब बाकी जो स्पर्म्स है वो सबको क्या करना होगा, डाइजेस्ट करना होगा ना। तो देखो होता क्या, हम लोगों ने सिग्नलिंग पाथवे देखा था। सिग्नलिंग पाथवे में क्या हुआ था, कैल्शियम आयन कहाँ से ये हुआ था रिलीज, हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेलुलर स्टोरेज से रिलीज हुआ था एग के अंदर। और ये कैल्शियम आयन क्या किया था, फर्स्ट क्या करवाया था, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कराया था फर्स्ट। और सेकंड काम ये कैल्शियम आयन का क्या चीज़ है, देखो सेकंड काम ये कैल्शियम आयन का क्या चीज़ है, फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग। मतलब ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो बन रहा है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, ये जो एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज करेगा, तभी ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ आएगा, हम लोग बोलेंगे फाइब्रस एरिया में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस ऑफ इट्स कंटेंट्स। मतलब कैल्शियम आयन दो काम को करा रहा है, पहला कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करा रहा है, दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का क्या करवा रहा है, हम लोग बोलेंगे फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सोसाइटोसिस ऑफ इट्स कंटेंट, ठीक है। तो देखो यही हुआ कैल्शियम के कारण क्या हुआ, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स था ये क्या हो गया, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो क्या कर गया, फ्यूज कर गया किसके साथ, हम लोग बोलेंगे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, देखो फ्यूज कर गया। जैसे ही फ्यूज करेगा तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट कहाँ आएगा, हम लोग बोलेंगे फाइब्रस एरिया में आएगा। तो ये कंटेंट को मैं दिखा रहा हूँ, ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है कहाँ पर, फाइब्रस एरिया में ये कंटेंट आ जा रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस ऑफ इट्स कंटेंट्स। तो ये कंटेंट्स में क्या क्या, ये कंटेंट्स में ये है और क्या है, ये है, ठीक है ना। तो सबसे पहला कंटेंट के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि ये पहला कंटेंट कैसे करके क्या करता है, पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करता है। ये जो कंटेंट है ये कहाँ आ गया, ये फाइब्रस एरिया में आ गया। ये कंटेंट को हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट कंटेंट, मतलब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीएज। तो ये क्या चीज़ है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीएज है ये कंटेंट क्या करेगा। देखो ध्यान से, जितना भी स्पर्म किससे किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो बाइंडिंग रिसेप्टर है ना, जो कहाँ प्रेजेंट है, वाइटलिन इन्वेलप में, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस जो रिसेप्टर होता है बाइंडिंग रिसेप्टर को, उसको ही ये क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला कंटेंट क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो सारा का सारा रिसेप्टर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर रिसेप्टर डाइजेस्ट होगा तो बट ऑब्वियस है कि स्पर्म जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्पर्म खत्म हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि अब और कोई स्पर्म
इंटर करेगा नहीं, तो स्पर्म अगर इंटर नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या किया है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, क्या किया, प्रिवेंट किया पॉलीस्पर्मी से। तो पहला तरीका ऐसे होता है कि ऐसे करके क्या करता है, ये पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करता है। दूसरा क्या तरीका होता है इसका कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, तो हम लोग बोलेंगे देखो ध्यान से यहाँ पर, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स था वो क्या किया था, बाइंडिंग रिसेप्टर को डिसॉल्व किया था, कौन, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स सेरीन प्रोटीएज, याद रखना इस चीज को। दूसरा जो कंटेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, या हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन, ये भी निकलेगा, ठीक है, ये भी कहाँ निकलेगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से निकलेगा। देखो ये वाला, ये ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ उसको यहाँ पर, ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, गैग है, GAG गैग, मतलब क्या चीज, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। ये भी किस तरफ निकलेगा, टुवर्ड्स ये किस तरफ, हम लोग बोलेंगे वाइटलिन इनवेलप की तरफ ही निकलेगा ना। जब ये निकलेगा तो यहाँ पर ये क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेट करता चला जाएगा, किस तरह, वाइटलिन इनवेलप की तरफ। और जब ये एक्यूमुलेट देखो करता चला जाएगा तो यहाँ पर देखो एक हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इनवेलप का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन इनवेलप है, जो कहाँ पर, जिस जो किसके ऊपर बना, हम लोग बोलेंगे किसके ऊपर, किसके ऊपर, वाइटलिन इनवेलप के ऊपर बन गया, ठीक है। तो ये किस, जो ये जो फर्टिलाइजेशन इनवेलप बन रहा है, ये जो फर्टिलाइजेशन इनवेलप बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, हम लोग बोलेंगे GAG गैग के कारण, या फिर हम लोग बोलेंगे म्यूको पॉलीसेक्राइड्स के कारण क्या बन रहा है, फर्टिलाइजेशन इनवेलप बन रहा है। और ये जो गैग था या फिर हम लोग बोलेंगे म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स था, वो भी कहाँ आया है, एक्सोसाइटोसिस करके कहाँ आ गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला एरिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइब्रस एरिया में आया, ठीक है, बन गया फर्टिलाइजेशन इनवेलप। फर्टिलाइजेशन इनवेलप को फिर हम लोग बोलेंगे क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे हार्डन किया जाता है, फिर हम लोग बोलेंगे थिकनिंग को बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने के लिए हम लोग बोलेंगे थर्ड जो ये होता है ना कंटेंट, जैसे पेरोक्सीडेज, अर्जिन ड्यूअल ऑक्सीडेज वन, या ट्रांसग्लूटामिनेज, कहाँ से निकलेगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ से निकलेगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से ही, मतलब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में ही है ना ये सब, ये भी निकलेगा क्या चीज़ से, इसी से। और हम लोग कैसे निकलेगा, एक्सोसाइटोसिस से। और ये जब निकलेगा तो ये क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन इनवेलप के चारों तरफ क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे कर देगा, क्रॉस लिंकिंग कर देगा, ठीक है। ये क्रॉस लिंकिंग करने का फ़ायदा क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इस क्रॉस लिंकिंग करने का फ़ायदा ये है, क्या चीज़ है, कि फर्टिलाइजेशन इनवेलप क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये हो जाएगा कि ये हम लोग बोलेंगे किसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन इनवेलप को क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कौन, ये क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। और ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रहा है, ठीक है ना, ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रहा है इसको भी हम लोग बोलते हैं, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो क्रॉस लिंकिंग हो रहा है ना, ये क्या करेगा ना, देखो जो भी मतलब जो इंटर टाइडल जो फोर्सेस होते हैं, फिर हम लोग बोलेंगे वेव होता है ना, मतलब सी वाटर में, उसको भी ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे विथ स्टैंड करेगा, ठीक है। ये क्या चीज़, कौन, हम लोग बोलेंगे ये क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये टर्म लिखा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करता है, प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी से। देखो इसको और एक बार देख लेते हैं कैसे करके। सबसे पहले क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो क्या हुआ था, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन किसके कारण हुआ था, कैल्शियम आयन के कारण फॉर्मेशन हुआ था कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या कंटेंट्स है, ठीक है, तो कंटेंट्स कहाँ रिलीज होगा, बाहर रिलीज होगा, कहाँ पर, फाइब्रस एरिया में। तो कंटेंट्स को रिलीज होने के लिए भी क्या चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए। कैल्शियम आयन क्या करेगा, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फ्यूज कराएगा, किसके साथ, एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कराएगा। जैसे फ्यूज कराएगा तो क्या होगा, जो भी कंटेंट्स है उसका एक्सोसाइटोसिस होगा, मतलब वो बाहर आएगा, कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे इस फाइब्रस एरिया में। जैसे ही फाइब्रस एरिया में कंटेंट बाहर आएगा तो सबसे फर्स्ट जो कंटेंट होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सेरीन प्रोटीज, वो क्या कर देगा, बाइंडिंग रिसेप्टर को डिसॉल्व कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, सारा स्पर्म क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। दूसरा जो कंटेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं गैग या म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, ये क्या करेगा, तो ये जो फर्टिलाइजेशन इनवेलप के ऊपर में क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे एक इनवेलप बना देगा, सॉरी फर्टिलाइज, ये क्या चीज है, वाइटलिन गैग या फिर म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स क्या करेगा, ये जो वाइटलिन इनवेलप के ऊपर क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे देखो ये क्या चीज है, फर्टिलाइजेशन इनवेलप का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन इनवेलप क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इसको थिकनिंग या फिर हार्डनिंग करने के लिए हम लोग बोलेंगे और कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरोक्सीडेज, सी अर्जिन ड्यूबल ऑक्सीडेज वन या ट्रांसग्लूटामिनेज, इसको क्या करेगा, क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करेगा ताकि ये हार्डन हो जाए। और हम लोग बोलेंगे ये क्या करें, हम लोग बोलेंगे पॉलीस्पर्मी से क्या करें, प्रिवेंट करें, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, और हम लोग इसको बोल सकते हैं परमानेंट ब्लॉक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉलीस्पर्मी पढ़े हैं
वो जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसके एक समरी देखेंगे, मीन्स जो भी हम लोग पढ़े हैं उसी में से क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट निकालेंगे और समरी को क्या करेंगे, समराइज करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।